हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन CHSL। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नीतू सिंह की प्लिन टू पैरामाउंट इंग्लिश बुक की 10th की एक्सरसाइज। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें स्पॉटिंग एरर करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और डेड। तो फ्रेंड्स, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में एरर है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर। यहाँ सिंस जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है, मतलब सिंस आता है जैसे कोई वैल्यू दी हो 1946, इसके लिए आता है। और जो फोर आता है वो ड्यूरेशन के लिए आता है, तो यहाँ सिंस की जगह फोर का यूज़ होगा। तो पहले सेंटेंस में सिंस एरर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्लियरली यहाँ पे एरर शो हो रहा है हमें। वेयर हैड ही गॉन, जो ही है और हैड, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, वेयर ही हैड गॉन आ जाएगा। तो इसका एरर है सी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। फिर इसमें बोला गया है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इस वाले सेंटेंस में एरर है। यहाँ पर आई एम प्लेइंग की जगह आएगा आई हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि वह लंबे समय से क्रिकेट खेलता आ रहा है और उसने अभी तक एक भी सेंचुरी नहीं मारी है। तो आप अगले सेंटेंस में देखें तो यह भी हैव का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ आम की जगह हैव बीन आएगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें ए सेंटेंस में एरर है। फिर अगला क्वेश्चन है, आई डोंट नो, मतलब आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें फ्रेंड्स ए वाले सेंटेंस में एरर है, क्योंकि यह सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन है। यहाँ पर जो कुड है और ही है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ आगे कुड लगता है, सब्जेक्ट के पहले कुड नहीं लगता। ही कुड, इसका सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन, तो इसके ए सेंटेंस में एरर है। फिर अगला क्वेश्चन है, बाय द टाइम बी गॉट अवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो पास्ट टेंस के सेंटेंस यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पहला पास्ट टेंस होता है वो सिंपल पास्ट में होता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ जो गॉट है वो सिंपली गेट हो जाएगा। वी गेट अवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। तो इसका बी सेंटेंस में एरर था। और अगला क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी विल गेट अवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो इसमें बिल का यूज़ नहीं होगा, गेट अवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, बी वाले ऑप्शन में एरर आ जाएगा इसमें। फिर अगला सेवन्थ क्वेश्चन है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। इसमें क्या है फ्रेंड, गौरी टोल्ड मी, गौरी ने बताया उसका नाम जब उसने वह जगह छोड़ी। मतलब यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ भी हेड आ सकता था, लेकिन यहाँ हेड क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ आफ्टर दिया हुआ है और आफ्टर के बाद सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ ही हेड लेफ्ट आएगा। मतलब इसका सी सेंटेंस में एरर है। अगला क्वेश्चन है एट, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरी। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिंस का प्रयोग होता है पर्टिकुलर ईयर में, जब आपको पता हो कोई चीज़ फिक्स, तब सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेंचुरी क्या, एक अवधि के लिए फोर का प्रयोग करते हैं, तो सिंस की जगह फोर का प्रयोग होगा। तो इसके सी आंसर में एरर है। तो अगला क्वेश्चन है, ओल्ड एज इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विथ हिम हैड बिगन। बिगन की स्पेलिंग यहाँ गलत दी हुई है, इसकी स्पेलिंग BUGUN वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ ये एरर है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, द पासर बाय टोल्ड अस
वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। फिर फ्रेंड्स इसमें होगा वेयर वॉज द मैरिज हॉल, इस सेंटेंस में एरर है क्योंकि वेयर वॉज द मैरिज हॉल नहीं आएगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस लगा हुआ है तो इसमें वॉज का जो यूज़ है वो उसके हाल के हाल बाद नहीं होगा, इसलिए इसका होगा वेयर द मैरिज हॉल वॉज, इसके बी में एरर है। फिर अगला क्वेश्चन है आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर एगो। फ्रेंड्स ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आई हैव पास द एग्जामिनेशन ये सही सेंटेंस है, लेकिन अगर ये सेंटेंस अगर इतना ही दिया होता तो ये सही होता। इसके आगे जो 2 ईयर्स एगो दिया हुआ है ये एक टाइम को, मतलब टाइम को दर्शाता है, जब भी कोई चीज़ टाइम को दर्शाती है तो वो सिंपल सिंपल पास्ट या सिंपल डेफिनेट टेंस में चली जाती है, सिंपल इनडेफिनेट टेंस में। तो इसका आंसर मतलब जो करेक्शन है इसमें ये इसमें होगा ए वाले में, क्योंकि जो आई है उसके बाद हैव का प्रयोग नहीं होगा, सीधे पास्ट का प्रयोग होगा, आई पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो। फिर अगला क्वेश्चन है सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, मतलब जब उसने पोस्ट ज्वाइन करी तब से उसने कोई भी रिश्वत नहीं ली, इसका मतलब ये है। तो सिंस ही ज्वाइंड ये सही है, दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक। अब आप सोचो डिड नॉट है तो यहाँ पर टुक होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाता है फ्रेंड, डिड नॉट के साथ कभी मतलब डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन उसने अभी तक रिश्वत नहीं ली, अभी तक रिश्वत नहीं ली है, मतलब यहाँ पर आएगा डिड नॉट, ही हैड नॉट टेक एनी ब्राइब, ये तो इसका बी मेरर है। परहैप्स यू नो डेट आई हैव, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर आ गया हैव का प्रयोग, अब हैव और इसमें दे दी एक क्या बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, अब टाइम दे दिया है तो इसमें क्या होगा आई हैव नहीं आएगा, सिर्फ ओनली पास रहेगा, आई पास द एग्जामिनेशन 1990। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड ही हैज़ रीड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। तो वो अपने मतलब जब उसकी छुट्टियां ख़त्म होगी तब तक वो 4 प्ले पढ़ लेगा जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा रिटर्न, तो यहाँ पर आएगा ही विल हैव, मतलब ये अभी पढ़ा नहीं है लेकिन अपनी छुट्टियाँ ख़त्म होने तक पढ़ लेगा, फ्यूचर है, तो ये विल हैव का प्रयोग होगा इसमें, तो इसका ए सेंटेंस में एरर है। 15 है व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। फ्रेंड इसका तो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ भी व्हेन दे रखा है, वेयर डिड दे यहाँ पर भी डिड का प्रयोग होगा, व्हेन डिड दे स्टील, स्टोल की जगह यहाँ पर स्टील का प्रयोग होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ए सेंटेंस में एरर था। देखिए फ्रेंड्स अगला है द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड इसमें तो सिंपल से एरर हैज़ दिया हुआ है और टुक, टुक क्या होती है जो टेक होता है उसकी सेकेंड फॉर्म होती है, लेकिन हमें जो हैज़ हैव होता है उनके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा टेकन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फॉर द टाइम इन मेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय द मैन इन मैनी वेज। इसका फ्रेंड्स क्या होगा टाइम इन मेमोरियल मतलब अनंत काल का समय, अनंत काल के समय में फोर का यूज़ नहीं होता सिंस का यूज़ होता है, सिंस आएगा इसमें फोर की जगह, सिंस टाइम इन मेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज बाय द मैन इन मैनी वेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ ओवर फ्लोन इट्स बैंक। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ओवर फ्लोन नहीं होता वो ओवर फ्लोड होता है, ई डी का यूज़ होता है, डब्ल्यू एन का प्रयोग नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान से याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस आ लॉन्ग टाइम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ सिंस आया, सिंस के साथ मैंने आपको बताया था कि एक मतलब पर्टिकुलर टाइम का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ सिंस दे दिया एक लॉन्ग टाइम के लिए, अब लॉन्ग टाइम क्या है एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के साथ क्या आएगा फोर का यूज़ होगा, तो इसमें सी सेंटेंस में एरर है। अब 20th क्वेश्चन है कि दिस टीवी सीरियल इज़ गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स।
मतलब ये जो टीवी सीरियल है वो 3 साल तक चला आ रहा है। तो इस गोइंग ऑन की जगह इसमें क्या होता है, हैज़ बीन गोइंग ऑन, इसमें ये एरर आ जाएगा, तो इसके बी सेंटेंस में एरर है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमने इसके 20 क्वेश्चन तक किया है और हम अगले पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।